अगर आप लोग BI की सिम यूज करते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो न्यूज है वो आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों को पता होगा आज की डेट में अगर आप BI की सिम यूज करते हैं तो मिनिमम आपको 99 रुपीज का रिचार्ज कराना होता है, तब जाके आपकी जो सिम है वो आपकी एक्टिवेट रहती है। और अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो उसके 7 दिन के बाद आपका जो इनकमिंग है वो भी आपका बंद हो जाता है। ऐसे में अगर आपको कोई कॉल करता है तो आपका नंबर या तो स्विच ऑफ बताएगा या बताएगा कि जिस व्यक्ति पे आप कॉल करना चाहते हैं उसकी इनकमिंग का जो रिचार्ज है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने काफी टाइम से अपना रिचार्ज नहीं किया है और अगर आप BI की सिम यूज करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कंपनी बीच बीच में ऑफर यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। देखिए ऑफर कुछ इस तरीके से होगा, मुझे भी यहाँ पे पता नहीं 2-3 दिन पहले ऑफर आया था लेकिन मैंने चेक नहीं किया था। अभी मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे कंपनी की तरफ से फ्री में 1 GB का डेटा मिला है और कुछ दिन के लिए यहाँ पे मुझे जो इनकमिंग कॉल्स की सुविधा है वो भी यहाँ पे कंपनी की तरफ से मिली है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, बिना रिचार्ज के भी कंपनी हम लोगों को फ्री में डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, ये काम केवल BI कर रही है। अब ये आप कैसे चेक कर पाएंगे सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल ले लेना है, वहां पे आपको अपना जो प्ले स्टोर है उसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सर्च पे डालना है VI हम डाल देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ BI रिचार्ज म्यूजिक गेम्स, ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद आपको अपना जो BI का मोबाइल नंबर है उसको लॉगिन कर लेना है। हमने इसको पहले से लॉगिन किया हुआ है तो हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर आपका नेम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 1 GB डेटा लेफ्ट, मेन बैलेंस 0 है, आउटगोइंग कॉल्स एंड इंटरनेट सर्विसेज एंड इन 2 डेज। मैंने कोई रिचार्ज नहीं कराया है काफी टाइम से, मैं आपको उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन कंपनी ने मुझे 1 GB का डेटा दिया है, 3G 4G जैसा आपका नेटवर्क आता है, प्लस आपकी जो इनकमिंग है वो भी 2-3 दिन की मुझे नहीं मालूम है कि ये मुझे कम मिला है, लेकिन मैंने अभी इसको देखा तो यहाँ पे ये इस चीज को दिखा रहा है। आप देखिए पैक डिटेल्स पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए लास्ट रिचार्ज 299 का 9 फरवरी 2023 को किया था, ठीक है। व्यू रिचार्ज हिस्ट्री पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं 9 फरवरी 2023 को रिचार्ज किया था, उसके बाद कोई भी रिचार्ज यहाँ पे नहीं किया है। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे योर सर्विस वैलिडिटी विल एक्सपायर ऑन 1 मई 2023। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि कंपनी ने मुझे क्यों ऑफर किया है, किस वजह से किया है, मैं आपको बता रहा हूँ मेन बैलेंस कुछ है नहीं है और यहाँ पे 1 GB का जो डेटा है वो भी मुझे यहाँ पे दिया है। यानी कि कुछ सब्सक्राइबर हमारे हमें बार बार बोलते थे कि सर काफी टाइम से मैंने रिचार्ज नहीं किया है लेकिन फिर भी कंपनी हमें 1 GB का डेटा या कुछ ना कुछ जो बैलेंस है उनको वहां पे प्रोवाइड कराता है, यानी कि ये बात सही है। पहले मैंने उन लोगों की ये वाली बात नहीं मानी थी लेकिन जब मुझे यहाँ पे खुद मिला, यानी कि कोई चीज जब प्रूफ के साथ में मेरे पास आती है तभी मैं आप लोगों को बताता हूं, हवा में कोई भी मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा जिससे कि कल को आप लोग मुझसे बोलें कि सर आपने यहां पे ये मुझे गलत जानकारी दी है। यानी कि इसका मतलब ये है अगर बीच में हम लोगों को इस तरीके का रिचार्ज मिल जाएगा, इसका हम लोगों का बेनिफिट ये है कि हमारी सिम बंद होने की जो डेट है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं आज की डेट में BI में तो वैसे नॉर्मली 50-60 दिन के अंदर आपकी सिम बंद हो जाती है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे अगर आप लोगों को ऑफर मिलते रहेंगे बीच बीच में तो आपकी जो सिम है उसका 20-25 दिन और इंक्रीज हो जाएगा। कंपनी मजबूरी में इस काम को कर रही है क्योंकि कंपनी देख रही है कि आपने काफी टाइम से रिचार्ज नहीं किया है, तो कंपनी अपनी तरफ से देखिए आपको 1 GB का डेटा मिल दिया, 1 GB का आपको डेटा दे दिया और आपकी जो इनकमिंग है वो भी आपकी चालू कर दी कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पे कंपनी देखिए बोल रही है 84 डेज का पैक है, आप देख सकते हैं 839 रुपए का है, जिसमें कि आपको 2 GB पर डे प्लस 0 अनलिमिटेड बेनिफिट्स जो भी हैं वो आपको मिल पाएंगे। कंपनी यहाँ पे बोल रही है आप इस रिचार्ज को भी करा सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल इसमें कोई भी रिचार्ज नहीं कराना है क्योंकि मैं एयरटेल में जियो में पहले से रिचार्ज करा चुका हूँ, जब मेरा वो रिचार्ज खत्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं यहाँ पे रिचार्ज करा पाऊंगा। तो देखिए आज के वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया अगर आप BI की सिम यूज करते हैं तो कभी कभी कंपनी बिना रिचार्ज के भी हम लोगों को ऑफर दे देती है। मैंने जैसे कि 9 फरवरी को रिचार्ज किया था तो काफी टाइम से मैंने यहाँ पर रिचार्ज नहीं किया, मेरा 8 मार्च को यहाँ पर रिचार्ज है वो एक्सपायर हो गया था, जब से मैंने कोई रिचार्ज नहीं किया तो मुझे कंपनी ने अब यहाँ पे फ्री में कुछ दिन के लिए इनकमिंग मेरी चालू कर दी और 1 GB का डेटा दे दिया। यानी कि अगर आप लोग भी अगर व्हाट्सएप से अपनी BI में रिचार्ज नहीं किया तो ये चेक कर सकते हैं ऐप में जाके कि कहीं आपको भी तो नहीं कोई फ्री में रिचार्ज मिल गया है। जैसा भी है ये ऑफर ठीक है, बीच बीच में अगर मिलता रहेगा फिर भी हम लोगों का थोड़ा बहुत तो काम यहाँ पे चलता रहेगा।
हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।